नमस्कार, मध्याह्न खबर को स्वागत करुछी मुं मंदाकिनी। प्रथमे देखिबा हेडलाइंस। पछुआ वर्गक अवहेला नहीं सरकार को उपरे बरसिले जातीय पछुआ वर्ग कमिशन सदस्य कौशलेन्द्र सिंह पटेल कहिले ओडिशारे पछुआ वर्ग को अवहेला करुछंती राज्य सरकार। आर्थिक रोजगार आधार में संरक्षण व्यवस्था थिले भी देउनाहंती। पछुआ वर्ग शैक्षिक एवं अर्थनैतिक विकास करिबाकु आंतरिकता नहीं। पैरालंपिक्स रु डबल खुशी, गोल्डन गर्ल को मिलला ब्रोंज। 50 मीटर राइफल शूटिंग रे ब्रोंज जीतिले अवनी लेखरा। सेपटे हाई जंप रे सिल्वर मेडल जीतिले प्रवीण। आज भी आरंभरु हट्टगोल, अपराह्न 4टा पर्यंत गृह मुलतवी। कांग्रेस उठाइला राज्यर स्टाफ सिलेक्शन ने दुर्नीति प्रसंग। प्रसंग को नहीं विरोधी सदस्य प्रबल हट्टगोल। शेयर मार्केट रे बाहर प्रथम थर 58,000 पार सेंसेक्स। निफ्टी छुईला 17,300 मार्क। ग्लोबल मार्केट रु भी मिलला शुभ संकेत। एसीएफ सौम्य मृत्यु मामला, विद्या भारती एवं तांका परिवार को जेरा परे फेरिला क्राइम ब्रांच टीम। गणमाध्यम आगे मुह खोलानी विद्या भारती परिवार। सौम्य बापा कहले क्राइम ब्रांच उपर उठिगला आशा। राज्य में आज 7 जीवन नेला महामारी। 24 घंटे 849 नुआ पॉजिटिव। 18 वर्ष कम वर्ग में 120 आक्रांत चिन्हट। खोर्धारु सर्वाधिक 341 संक्रमित। अफगानिस्तान कब्जा पर एवं सरकार गठन। आज अफगान में होपे तालिबान सरकार। हैबतुल्ला होपारती नुआ मुखिया। फंड पर चीन उपर निर्भर थिबा कहिला तालिबान। एवं आज आंतर्जातिक जलवायु सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। जातीय हाइड्रोजन मिशन नहीं हेबा आलोचना। उत्पादन एवं रप्तानी भारत को विश्व में हब करिबा मोदी सरकार का लक्ष्य। संपूर्ण खबर को पछुआ वर्ग अवहेला नहीं सरकार को उपरे बरसिले जातीय पछुआ वर्ग कमिशन सदस्य कौशलेन्द्र सिंह पटेल। ओडिशारे पछुआ वर्ग को अवहेला करुछंती राज्य सरकार। आर्थिक रोजगार आधार में संरक्षण व्यवस्था थिले भी देउनाहंती। सांविधानिक अधिकार रु वंचित करुछंती। 11.25% संरक्षण देउनाहंती। पछुआ वर्ग शैक्षिक एवं अर्थनैतिक विकास करिबाकु आंतरिकता नहीं। जातीय पछुआ वर्ग कमिशन 2020 फेब्रुआरी रे ओडिशा आसीथिले। पुणी 2020 सेप्टेम्बर रे वीसी जरिया रे आलोचना करिथिले। काली मध्य राज्य सरकार अधिकारी सहित कथा होती। गत 1.5 वर्ष भितर 3-3 थर आलोचना हो सबुथर राज्य सरकार पदक्षेप ने कहते किंतु नेउना। जातीय पछुआ वर्ग कमिशन सदस्य कौशलेन्द्र सिंह पटेल राज्य में ओबीसी फाइनान्स कमिशन रही किंतु सहायता करूना। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा सहायता देना। राज्य में पछुआ वर्ग कमिशन थी ना भली कहते जातीय पछुआ वर्ग कमिशन सदस्य कौशलेन्द्र सिंह पटेल। कल जो व्यापक सुनवाई हमने की उसमें उड़ीसा सरकार के द्वारा उनके अधिकारियों के द्वारा मुझे एक ये कागज उपलब्ध कराया गया जिसपे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा सरकार के तमाम अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। ये उड़ीसा पहला राज्य है जहां पर कि एनसीएल सर्टिफिकेट बनाते समय एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज जोड़ा जाता है, जहां पेरेंट्स की इनकम के बजाय परिवार का इनकम जोड़ा जाता है। इसमें सैलरी इनकम जोड़ने की बात कही गई है, एग्रीकल्चर इनकम बात करने की कही है। इस कागज के अवलोकन के बाद, इसको देखने के बाद, इसका परिशीलन करने के बाद यह प्रतीत होता है कि उड़ीसा राज्य के अंदर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को शैक्षिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण ना दे करके मंडल कमीशन की मूल भावनाओं का गला घोंटते हुए उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। आज भी गृह कार्य आरंभरु हट्टगोल। आरंभरु कांग्रेस उठाला राज्यर स्टाफ सिलेक्शन दुर्नीति प्रसंग। एही प्रसंग उठाई कांग्रेस सदस्य माने प्रबल हट्टगोल करथिले। गृह को अपराह्न 4टा पर्यंत मुलतवी घोषणा कले बाचस्पति।
आज आम ये जो बेकार युवक मान को हत्या करा जाउछि निशा देकर नानादी प्रकार प्रलोभ देखकर नष्ट हो जाए ब्रिलियंट स्टूडेंट ओडिशार से मानक नार्य दाबी आज आम डिमांड करछु ए जो पैसा देकर स्टाफ सिलेक्शन नटरापटर हो पुंखानुपुखर गोटे हाईकोर्ट जस्टिस जरिया इनक्वारी करा जाओ एतरे जो माने बड़ लोक सब अच्छा से मैंने आसतु खाली गोटाए विरंची कौन केते विरंची अच्छा जो विरंची अच्छा आसतु लोकलोचन को दंड पातु ताले आम ओडिशा पिला माने ब्रिलियंट पिला माने जो माने मेधावी छात्र बंचिबे विरोधी मानकर कोनोसी प्रसंग नाही बिना प्रसंग रे विरोधी माने पाटितुंड करुछन्ते हा भला करुछन्ते जद्वारा कि से कार्य कर विधानसभा प्रश्नोत्तर कार्य कर दौना अन्य कार्य भी हो पारना से मैंने चिंता करवा कथा गोटे दिन विधानसभा न चलने केत टा आम क्षति हो तेणु ये विरोधी वाला कौन सी प्रसंग नो ये सबू कार्य से गोटे भल परंपरा नुहे। राज्य में कोरोना जनित मृत्यु ऑडिट रिपोर्ट नहीं स्वास्थ्य निर्देशकों प्रतिक्रिया जितेबाला संक्रमण पिक थिला से समय रे मृत्युर रिपोर्ट ठीक भाव में दि जा पार नथिला एबे पाखापाखी ऑडिट सरी वर्तमान जहाँ होथ्य दि जाऊँगी एबे भी ऑडिट वर्तमान रोगी अच्छा मृत्यु भी हो पाए जहाँ आगक हो तथ्य दिजिव कितु मृत्यु संख्या ओडापी आश्वस्ति शिशु संक्रमण को नहीं आम जो सचेतन होगा कथा ताक सचेतन आमर पॉजिटिव संख्या कम मृत्यु हार को मझे विश्लेषण करने कथ नुहे टीकाकरण सह सेरो सर्भे चली तेणु आपोस करने को अपेक्षा करने को आगक कौन परिस्थिति होती से कहते जोड़ा को आम दौलु आम बारंबार कही ऑडिटेड हो पार ना जिते पिक थिला डेथ थिला से ऑडिटेड हो पार ना ऑडिट सरला नॉर्मल जहाँ होची आमे ताको वर्तमान दौचु हॉस्पिटलाइजेशन रेट डेथ रेट ए सब गोटे गोटे निकितरे ताको तोलिबा दरकार एक नंबर दुई नंबर है फाटालिटी केते हला आमे केबे मझीरे इवालुएट करबा कथा नुहो कारण सीएफआर गोटे जिनस जोटा को गोटे पेंडेमिक सरला परे ही इवालुएट करा जाए आमे वर्तमान पेंडेमिक रे अछे आगो आगो डर अच्छी कौन हो पारे कौन ना तेणु आम जब सीएफआर टाक विश्लेषण करवा गोटे पैंडेमिक्र एंड पर बहुत जुक्तिजुक्त हो गए भल जिन हूँ सब जिले बर्तमान सीरो सर्वे चलती एंटीबॉडी स्टेटस आमको किसी दिन पर मन जना पड़ जोटा कि गोटे गाइडेंस दब आमको जे यहाँ केत दूर आम प्रोटेक्टेड केन्द्र जारी करथिबा डबल डोज टीका गाइडलाइन को नहीं डीएमईटी सीबीके महांती प्रतिक्रिया रखिछन्ते कहिछन्ते सुरक्षा दृष्टि डबल डोज टीका नेबा आवश्यक डेथ ऑडिट आमे पाखापाखी सारी देछु जहां आसीछि आमे जणैबु एबे शिशु माने अधिका संक्रमित हेबे काहेकि ना प्राय समस्त 18 ऊर्ध व्यक्ति टीकाकरण हेलेनी एवं संक्रमित भी हेउछन्ते तेणु अनुपातिक भावे शिशु माने अधिका हेबे तृतीय लहर एबे भी आकलन स्तररे अछि आमको प्रस्तुत रहबाको पड़िबो बोली से कहिछन्ते। शिशु माने मानने ये तृतीय लहरी एवं शेष पर्यायर टी अधिका प्रपोर्शनेटली प्रतिशत हिसाब से अधिका है आनुपातिक हिसाब से कहीं एडल्ट मैंने किसी एडल्ट इनफेक्टेड हो बहुत एडल्ट पर्सन सब वयस्क लोक टीकाकरण हो तेणु आनुपातिक भाव में टी अधिका बाहर और से हूँ तृतीय लहरटा आसब ना न आसब से तथा आकलन स्तर अच्छी किंतु आम मानक संपूर्ण भाव में प्रस्तुत रहाक पड़ो कारण भविष्य को लक्ष्य करी कारण अनेक देश रे तृतीय लहर है। राज्य में पुणी सात जीवन नेछि महामारी एहाको मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 8035 को वृद्धि पाई सेपटे 24 घंटे 849 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती संक्रमितों मध्य 495 क्वारंटाइन और 354 लोकाल केस रही आक्रांतों मध्य 18 वर्ष कम बयसर 120 जन पॉजिटिव रही खोर्धार सर्वाधिक 341 पॉजिटिव रही बेले कटक 170 बालेश्वर 51 पुरी 31 और मयूरभंज 21 जन संक्रमित रही राज्य में एवं 7241 आक्टिव केस रही बेले 993901 जन करोनारु सुस्थ होइछन्ति। शेयर मार्केट रे बाहर प्रथम थर 58,000 पार सेंसेक्स
निफ्टी भी छुईला 70,300 मार्क। गत किछि दिन धरि भल प्रदर्शन करुछि शेयर मार्केट। ऑटो, बैंक, बीएससी, मिड कैप एवं स्मॉल कैप भल प्रदर्शन करुछि। ग्लोबल मार्केट रु भी मिलिला शुभ संकेत। कोरोना पई आर्थिक अवस्था दुर्बल थिबा बेले एबे मार्केट रु भल खबर निवेशकक विश्वास को फेराउछि। गृह चलाइ नदेबाकु बीजेडी एवं कांग्रेस मध्यरे होइछि डील, एभली संगेन अभियोग आणिछन्ति बीजेपी। विरोधी दल मुख्य सचेतक मोहन माझी कहिछन्ति आज गृह न चलिबाने बीजेडी सह फिक्सिंग अभियोग आणिछि बीजेपी। गतकाली बीजेडी एवं कांग्रेस मध्यरे डील होइछि, भितरी बुझामणा करी चालिछन्ति दुई दल। महांगा डबल मर्डर प्रसंग आलोचना होइथिले सरकार अडुआरे पडिथान्ते। आईन श्रृंखला प्रसंग आलोचना होइथिले सरकार आकलन अडुआरे पडिथान्ते। कांग्रेस स्टाफ सिलेक्शन प्रसंग उठाई सरकार गृह बंद करोग आनी मोहन। सेपटे सरकार को घंट घोड़ाइबाक बाचस्पति पक्षपातिता करिछन्ति संगीन अभियोग आनी बीजेपी। सेपटे बीजेपी एही संगीन अभियोग जवाब रखी बीजेडी। आपंकर क्वेश्चन आवर आरंभ ही नहीं एवं विधानसभा को चारिटा पर्यंत मुलतवी रखा ये निश्चित भाव रे आपंकर कांग्रेस एवं विजु जनता दल तरफ भितरिया बुझामणा होती पूरा संपूर्ण भाव में ये मैच फिक्सिंग होती। मैच फिक्सिंग होगा कारण से गोटे मिनिट भी विधानसभा आरंभ न होगा पूर्व बंद करदे भितर बाबुड़ी खेल चलुची दिने ये जो कथ कौन सी से कथ कौन भितर से समाधान करना कौ कठा से आलोचना कर निर्दिष्ट भाव में कहतु निर्दिष्ट भाव में कौन सी कथ न कहीकि ये गोटे दिन गोटे इश्यू आनी से गोटे दिन गोटे इश्यू आनी जो गुड़ा लोकंर जनसाधारण ओडिशा जनसाधारण कौन सी कम शासक दल को सुहब कहीं शासक दल सब प्रस्तुत अच्छा सब कथ आलोचना करने पाराओलंपिक्स रे भारत को मिलला 12तम पदक। 50 मीटर राइफल शूटिंग रे ब्रोंज जीतिले अवनी लेखरा। आज देश पई द्वितीय पदक आणिले अवनी। एहा टोकियो पाराओलंपिक्स रे भारतर चतुर्थ ब्रोंज। पूर्वरो 10 मीटर शूटिंग रे स्वर्ण जीति सारिछंती अवनी। सेपरि हाई जंप T64 वर्गरे भारतर प्रवीण कुमार रौप्य पदक हासिल करिछन्ति। प्रवीण 2.07 मीटर डे पुरुष हाई जंप रे रौप्य पदक हासिल करिछन्ति। पाराओलंपिक्स रे हाई जंप रे भारत 4 पदक पाइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवीण को रौप्य पदक जितिबा पई अभिनंदन जणाइछन्ति। पदक जितिबारे प्रवीण को अभिनंदन जणाइछन्ति प्रधानमंत्री। से लिखिछन्ति पाराओलंपिक्स रे रौप्य पदक जितिथिबारु प्रवीण कुमार का गर्व। एही पदक हेउछि तांकर कठिन परिश्रम एवं अनन्य उत्सवर फलाफल। तांकु अभिनंदन। तांकर भविष्यत प्रयास पई शुभेच्छा। पूर्व शत्रुता को केन्द्र करी सड़ूर भुजाली चोटे जड़े व्यक्ति मृत्यु होती। एभली अभावनीय घटना घटी केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका थाना अंतर्गत तरास गांव में। मृत व्यक्ति जनक होरास गांवर गणेश चंद्र सामला। पुलिस अभियुक्त सुरेन्द्र बसंतिया अटक रखी। गणेश और सुरेन्द्र संपर्क में दुई सड़ू थे। सुरेन्द्र गणेश को मारक पूर्व योजना करतीपाई गत काली राति घर निकट में लुचि रही है। आज भोर समय गणेश बाहर को उठी बेले सुरेन्द्र भुजाली आक्रमण करथिले फळरे घटनास्थल रे तांकर मृत्यु घटिथिला। ओयूटी रे छात्र असंतोष। वीसी ऑफिस को ताला पकाइले वेटनरी साइंस रो छात्र छात्री। परीक्षा रे विलंब। ऑनलाइन परीक्षा कोर्स सेशन डिले करा नचबा दाबी ने वेटनरी साइंस रो छात्र छात्री ऑफिस को ताला पकाइबा सहित धारणा रे बसिछ।
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ନିକଟରୁ 250 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ସହିତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ଅଭୟ ଦଳେଇ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଉଭୟ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଦେଶୀ ମଦ ଆଣି ବଡ଼କୃଷ୍ଣପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ନିକଟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। तबे ओबीसी प्रसंग को नहीं बीजेपी रा प्रेस मीट आसुची चलंतो जी देखिबा सीधा प्रसारण। कैबिनेट रे पछुआ वर्ग को पई संरक्षण व्यवस्था 50% सीमित रखिबा संपर्क रे आज एक सांवादिक सम्मेलन रे हमर पछुआ वर्ग रा प्रदेश अध्यक्ष संबोधित करिवे। मो अनुरोध करुच्छ सुरत मिश्रा को आज सामाजिक बंधुगण राज्य सरकार पछुआ वर्ग विरोधी नीति संपर्क मु दुई पद कथा आपण मान आगे रखा उचित मन कर 1996 मसीहा पर ठारु समस्त लोकाल बॉडी निर्वाचन रे पंचायत एवं पौर निर्वाचन आम लड़ी आसुलु 27 भाग संरक्षण 52% जनसंख्या विशिष्ट 2.5 कोटी लोक जो प्रतिनिधित्व कर पछुआ वर्ग तक 27 भाग संरक्षण एवं निर्वाचन में 5-5 निर्वाचन आम लड़ीचु से 27% जो संरक्षण को राज्य सरकार सुरक्षा दे पारे ना पछुआ वर्ग मान नदे पारि एवं कैबिनेट रे निष्पत्ति नौचे आम 50% जो संरक्षण तार भितर पंचायत एवं पौर निर्वाचन लड़ापी स्थिर कले ग्राउंड देखा कौन पर कलु आमर इच्छा नाला जे कोर्टे तो एमती है 50% तो आउ टपी हेनी जो जो कथा कही घटना को समस्या को टाड़ी हम से कथा राज्य सरकार कहकर जो पारंपरिक अभ्यास मुझे प्रसंग में कह मरु लड़ूला काकर पाणी बैद कहला दे तोराणी राज्य सरकार निरवच्छिन्न भाव में दीर्घ दिन है योजनाबद्ध भाव में वर्ग को उपेक्षा कर चली अणदेखा कर चली सांविधानिक अधिकार वंचित कर चली तार एक उदाहरण हूँ एवं कमिशन गस्त कर कमिशनर सदस्य आतीय पछुआ वर्ग कमिशनर सदस्य आगे राज्य सरकार युक्ति उपस्थापन करा प्रथम थर नुहे तीन थर आम अभोग करम सांसद मैंने अभोग करम केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अभोग कर सुजोगता दि जाऊना पाठ पढ़ा बेले उच्चशिक्षा नापी ए वर्गर युवक युवती छात्र छात्री मानक कहीं संरक्षण ना ये प्रश्नर उत्तर केन्द्रीय कमिशन को राज्य जहाँ का राज्य कमिशन तरफ जो कथा कह रहा आम एक्जामिन करजामिन करवा कथाटा आज नुआकरी कहना एक्जामिन करवा कथा तीन तीन थर राज्य सरकार कही सारे 2020 मसीहा फेब्रुआरी कही 2020 मसीहा सेप्टेम्बर में कही गत 2 सप्ताह ते कमिशन चिठी लिखिक पचारे से भी कहते एक्जामिन करत का सभा जो रिव्यू होता से भी आम एक्जामिन करे तो सुप्रीम कोर्ट की 50% कथा नाला से तो राज्य हाइकोर्ट मना करा तो शिक्षा क्षेत्र में संरक्षण यही मुझे जर आंतरिकता नाला आग्रह ना एवं संख्याधिक जनसंख्या विशिष्ट 52 भाग जो मान संख्या अणदेखा करसंगठित किसी स्वर उठे पारे एक कथा भाविक दृष्टि की आणुची क्रमगत भाव में किसी निर्दिष्ट वर्गर व्यक्ति जो मैंने शासन को मारी बस पाख लोक मैंने ये योजना चल रखी आज दिनक कथ नुहे ये गोटे क्रमगत प्रक्रिया चलती तेणु बंधुगण मु राज्य सरकार को 2.5 कोटी जनसाधारण तरफ स्पष्टीकरण आम जो जो कथ मागी ये कैबिनेट निष्पत्ति परे ना बीजेडी सरकार ना बीजू जनता दल कहीं तार उत्तर वर्तमान सुधा देले नहीं।
ଶିକ୍ଷାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ 11.25 କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରିରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କରେ ପ୍ରମାଣ ସହ କହିଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଓବିସି ଫାଇନାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଛି ଯାହା ସାରା ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ, ଜିରୋ ପରଫରମାନ୍ସ। ଏ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ, ତା ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେବେ କହୁଛନ୍ତି ଜନଗଣନା ନ କରିବାରୁ ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ, କେବେ କହିଲେ 50% ଆମେ ଡେଇଁପାରୁନାହୁଁ, କେବେ କହିଲେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ କାଲିଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହିଲେଣି କ୍ରିମିନାଲ ଆପ୍। କ୍ରିମିନାଲ ଆପ୍ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଏମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବୋଲି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଏତେ ଏତେ କଟକଣା ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ, ଯେମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବହୁତ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲା, ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ସୁପାରିଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଜାତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ଜାତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟା ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ 10% EWS, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ସୁପାରିଶରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଜାତି ଆଧାରିତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାତି ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥନୀତି ଆଧାରିତ। ଇଏ ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ସୁପାରିଶକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ତୁମେ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ କାହାକୁ ଦିଆହେବ କି କାହାକୁ ନ ଦିଆହେବ। ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ ବୋଲି ଯାହାକୁ ତୁମେ କହୁଛ, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ତା ବାପ ମାଆଙ୍କ ରୋଜଗାର, ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନକମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ ଯାହାର ଯାହାର ରୋଜଗାର, ଆକୁ ଯୋଡ଼ିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବହୁ ଲୋକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ତ ସଂରକ୍ଷଣର ସଂଖ୍ୟା କମେଇ ଦେଉଛ, ସେପଟେ ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ ନାହିଁ, ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ଗତକାଲି ଏ କଥା ହେଇଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେତେକ ଜାଗାରେ ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କମିଶନ ଆଗରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, କାଲି ବିଜେଡ଼ି ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି କହିଛନ୍ତି। ଆକୁ ଚିନ୍ତା କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ଏଇ ସୁବିଧା ନ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନେଲେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁଦିନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ। କୋର୍ଟରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ 65% ରିଜର୍ଭେସନ ତମେ କଲ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇକିରି ମକଦ୍ଦମା ତମେ କଲ, ବହୁତ ଦିନ ଦାବି ପରେ ତମେ କହିନଥିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଥା, ପରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଖେଇଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛ ବୋଲି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କାହାକୁ ଓକିଲ ଦେଲ, କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲ, ଇଏ କଥା 2.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପଚରା ହେଇଛି, ଉତ୍ତର ଦେଇନ। ପରି କେସ୍ରେ ତମେ କପିଳ ଶିବାଲକୁ ଓକିଲ ଦେଲ, ରଥଯାତ୍ରା ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ତମେ ହରିଶି ସାଲ୍ବକୁ ଓକିଲ ଦେଇଥିଲ, 2.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓକିଲ କିଏ, ତାରିଖ କେବେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତୁମ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା, ଏ କଥା 2.5 କୋଟି ଲୋକର ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଜେପିର ଦେଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର। ଘଟଣାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ମାରୁଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଛୁଇଁ ପାରିବ ତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସବୁ କଥା ଧରାପଡ଼ିବ, 302-120 ଦଫାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। କୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ଜଣକୁ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦଫା ଲଗା ହେଇଛି, ତା ଘର କତିକି ଯାଇକି ପଚାରିବା, ଏଠିକି ଯିବା ସେଠିକି ଯିବା, ଇଏ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ତ ପୁରା ଆସନି, ତାକୁ ନେଇକି ଆଗେ ପୋଲିସ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଗରେ ହାଜର କରିକି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇକି ପଚାରିଲେ ତୁର ମାନିବ, ଆଉ ତାକୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ପଚାରିକି ଇଏ କ'ଣ ଫେଲ, ଆମକୁ ଇଏ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଆଶା ବି ଥିଲା କାଲି ଆମର ଆଶା ତୁଟିଗଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ। ଆମେ ଆଉ 15 ଦିନ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆଜି 16-17 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆଉ 10-12 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର CBI ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଦାବି କରିବୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁର୍କେଲା ବ୍ଲକ ଘୁନେଶ ପଞ୍ଚାୟତର କାଦବେଡ଼ା ଗାଁରେ 60 ବର୍ଷୀୟ ରିଚେକ ବଞ୍ଛୋର ବିଶ୍ୱପି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ରିଚେକ ବଞ୍ଛୋର ଜଣେ ଭାଗ ଚାଷୀ,
ଧାର କରଜ କରି ଉଭୟ ଧାନ ଏବଂ କପା ଚାଷ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। କପା ଚାଷ କରିଥିବାରୁ ମହାଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଭୟ କପା ମଞ୍ଜି ସାର କୀଟନାଶକ ଉଧାରି ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ରିଚେକ୍ ଏବଂ ଚୋର ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ପାନ୍ ବର୍ଷା ଟିକେ ନି ହେବା ଆରୁ ଖରା କରବା ବେଲେ ତୁ ଆଜ୍ଞା ମରିଯାଏସି, ବେଲକେ ଲସ୍ ତୁ ପଡ଼ିଯାଏସୁ ନା, ପଡ଼ିଗଲେ ହେଲେ କାହାର ନକେ ଆମର ତ ଜମିନର ଏଇଟା ନିନ କାଣା ନିଜରଟା ନିନ ବୋଲେ ଆମେ ତ କେନ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି କରି ଜିନିପାରୁ କି କେନ୍ ସରକାରଙ୍କ ମଦତ ବି ମାଗି ଜିନିପାରୁ, ଆର୍ କାଣା କରମୁ ଗରିବ ଲୋକ ଆରୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଖା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଏଇଟା ଚାଲୁଛେ ନା, ଆରୁ ତାର ପିଲା ହେଇକରି ମୁଇଁ ଏଇ ସବୁ ମୋର ବୁଆ ମଲା ନା ମୋର କାକା ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଇଛ ନାଇଁ ଧାନ ଚାଷ କପା ଚାଷ ଲାଗି କପା ଚାଷ ପାଞ୍ଚ ପକେଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ତ ଜାଣି ନାଇଁ ହେଁ, ମୁଇଁ ତ ସେନେ ନେଇ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ବେଲେ ମୋର କାକା ସେଥିରୁ ଚାଷ ତ ଖରାପ ଥିବା ହେଇଥିବ କି ଘରର ଜରୁରୀ କାମ ଲାଗି ବି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।